जिला अधिकारी के निर्देश पर बुधवार को मधवापुर पंचायत का प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले मध्य विद्यालय रामपुर बीरित पहुंचे, जहां वर्ग कक्षाओं में जाकर अध्ययन कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण में सब ठीक ठाक पाया गया। इसके बाद पीडीएस विक्रेता मदन महतो के यहाँ पहुँचे, जहाँ स्टॉक का निरीक्षण किए। आसपास के लाभुकों से डोर टू डोर जाकर पूछताछ किए। कई लाभुकों ने अनाज कम देने की शिकायत किया। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 97 पर पहुंचे, जहां एक भी बच्चा मौजूद नहीं मिला। पूछने पर गर्मी के कारण बच्चे भोजन करके जल्दी घर चले जाने की बात कही गई, जिस पर वीडियो ने सेविका नेमत को कड़ी फटकार लगाई। वहीं केंद्र संख्या 92 पर भी अनियमितता देखी गई। सेविका मंजू को भी फटकार लगाते हुए सुधार की बात कही गई। पुनः बीरित गांव में मनरेगा से मैना देवी के निजी भूमि पर वृक्षारोपण का जायजा लिया गया। कार्य देखकर वीडियो ने संतुष्टि जाहिर की। इसके बाद पंचायत भवन कार्यालय पहुँच आरटीपीएस के बारे में पूछताछ की, जहां बिजली रहने और इंटरनेट नहीं होने की बात कही गई। वीडियो ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। नामांकित 62 बच्चे में भौतिक रूप से 44 बच्चे उपस्थित थे, जबकि उपस्थित पंजी पर 41 बच्चे की हाजिरी बनाई गई थी। पूर्व प्रधान अध्यापक संतोष कुमार का 29 अगस्त 2022 को हस्तांतरण होने के बावजूद प्रभारी HM दिव्या कुमारी को प्रभार नहीं दिया जाने की बात कही गई। वित्तीय अनियमितता पर लेखपाल संतोष प्रत जवाब नहीं दे पाया। पेक्स गोदाम पर पहुंचे तो ताला लटक रहा था। पिछले बार CO के निरीक्षण में भी गोदाम बंद पाया गया था, जिससे धान की अधिप्राप्ति की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां कोरोना की टेस्टिंग, चिकित्सकों एवं कर्मियों की ड्यूटी समेत दवाओं के उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस दौरान भरा हुआ 4 ऑक्सीजन सिलेंडर था। एंटीजन और RT-PCR टेस्ट भी हो रहा। वीडियो ने आवश्यक निर्देश भी कर्मियों को दिया। मतलब गेहूँ प्लस चावल मिला करके 25 KG मिलता है। इस 31 मार्च से बंद हुआ, वो इसलिए तो वहाँ से आदेश आया कि डिजिटल एक्सरे है, इसलिए इसको यहाँ से बंद आया है। 31 मार्च से खत्म हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया डिजिटल डिजिटल आ गया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।